ये साइकिल के पहियों का सफर जो है, ये किस तरीके से हम लोगों के सामने आया ये तो पता नहीं, लेकिन भाई श्री जी हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी हाँ, अगर आप चाहते तो आज रोल्स रॉयस से आते या मर्सिडीज से आते, बीएमडब्ल्यू से आते, बड़ी कार से आते, या बग्गी से भी लाया जा सकता था आपको, ये साइकिल से आप क्यों आए, साइकिल का क्या किस्सा है? चालेल चालेल। मेरी लाइफ की शुरुआत साइकिल से होने वाली है। हाँ सर, जब मैं जालना में आया था तब मैं साइकिल किराए के लेके साइड में दो बैग भर के उसमें चाय का पैकेट जमा के पूरे मार्केट में सप्लाई करता था। सुबह सप्लाई, शाम को कलेक्शन, ये मेरी शुरुआत है। तो एक सिंबल बन गए वाला है, आज उसको सब बहुत बड़ा ये दिया उसको। क्या बात है, लेकिन ये जालना के तो आप है नहीं, तो फिर जालना कैसे आना हुआ? क्योंकि जालना को सोने का पालना कहते हैं, इसलिए जी हाँ जी हाँ। एक्चुअली मेरा जन्मभूमि गुजरात है, मैं 1967 में 10वीं पास करके जॉब करने के लिए कलकत्ता गया, कलकत्ता से बिलासपुर आया छत्तीसगढ़। फिर एक दिन वैकेशन में घूमते घूमते तिरुपति गए, अजंता जाना की इच्छा प्रकट हुई तो जालना शहर में उतर गए। और शाम को टाइम था 3-4 घंटा, तो देखा होटलों के अंदर लाओ जी, लिप्टन लाओ जी, टाटा की बहादुर, ये सब चाय चलता था। तो मैं तो पहले ऑलरेडी चाय का सेल्समैन तो था ही, चाय की कंपनी में जॉब करता था मैं। तो मैं पूछा भाई, मैं आपको इससे अच्छी क्वालिटी और इससे कुछ कम दाम में आपको माल ला के दिए तो लेंगे क्या? जरूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? बस इतना शब्द माइंड में बैठ गया। एक दिन चांस मिल गया, जलना आ गए। क्या बात है, एक बात हम लोगों को समझ में आनी चाहिए कि इंसान चौकस होना चाहिए। जो व्यापारी है उसे हमेशा से ढूंढना होता है कि मौका कहाँ पे मिल सकता है। भाई श्री ने वो मौका देखा और मौके पे चौका लगा दिया। लेकिन ये संयोग की बात नहीं है, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप गए थे तिरुपति बालाजी जी? हाँ, वो तो पैसे वालों का भगवान है। फिर दूसरा आप जाने वाले थे अजंता जी हाँ, वो कलाकारों की पूरी संपत्ति है जी हाँ। तो इन दोनों के बीच में जो सफर शुरू हुआ वो आपका शुरू हुआ, तो ये जो साइकिल का पहिया था जी हाँ, ये बचपन से आपके हाथ में था और यही चाहत थी कि बस इन लोगों के इतना ही बड़ा बनना है? बचपन में तो जब छोटे बच्चे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो ऐसे रिंग बना के ऐसे लेके दौड़ते थे हम उसके पीछे पीछे। वो खेलकूद था, उस समय मोबाइल थोड़ी था कि क्रिकेट के बैल बॉट वगैरह हमारे पिताजी थोड़ी लाके देते थे हमको। बस वही एक स्टील के रिंग बनाते थे लोहे के और पीछे पीछे दौड़ते थे, वो चक्का था मेरा। हाँ, लेकिन वो सिर्फ साधा साइकिल का चक्का नहीं था, वो तो समय का पहिया था। ये आज समझ में आ रहा है क्योंकि वो समय के पहिए को आपने बहुत सही तरीके से घुमाया था जी। और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ कि ये मुझे अभी अभी सूझा ये कि क्या भारतवर्ष में चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और दूसरा चाय बेचने वाला भाईश्री बन सकता है? ये सच्चाई है भाईश्री? ये शुरुआत जो हुई थी जी हाँ, तब कितने रुपए से आपने स्टार्ट किया था? 1250 रुपए की शुरुआत किया था मैंने। ये सगळे लक्षात ठेवा हा, आज आमच्याकडे पैसे नाही म्हणून व्यवसाय न करणारी जी माणसं आहेत त्यांनी हे लक्षात ठेवायला पाहिजे की फक्त 1250 रुपये त्यांनी व्यवसाय सुरू केलाय, जो 2000 कोटीवर जाऊन पोहोचलेला आहे। ही मेहनत आहे। ये 1250 रुपये भी कहां से आए थे? जो मैं नौकरी करता था, सालाना मेरे को 600 रुपये पगार था खा पी के। सालाना 600 पर मंथ 50 रुपये पगार था। फिर उसमें से बचा कैसे लिए? हाँ, तो घर उनके सेठ के घर पे खाना खाना, वहीं सोना, एक पैंट, एक जींस, एक शर्ट, 2 साल चलता। तो जो पगार मिलता था 600 रुपया, वो बच जाता था हम लोगों। और फिर
रेलवे एरिया में मेरी ड्यूटी थी जी, तो सब टीसी लोग फ्रेंड थे, आना जाना फ्री में था, चाहे तिरुपति जाओ कि चाहे नागपुर जाओ फ्री में था जी। भी सीखने वाली बात है कि आपके पास जो रिसोर्सेस हैं उसे किस तरीके से हम लोगों ने इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, ये आपने पूरे बिजनेस का तो ब्लेंड बहुत अच्छी तरीके से बना लिया जी। हाँ, चाय का ब्लेंड कैसे बना लिया? चाय देखो, चाय का ऐसा है, चाय के जितने भी गार्डन हैं हर एक गार्डन में अलग 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 गुण होता है। किसी में कड़कपना, किसी में फ्लेवर आता है, किसी में टेस्ट आता है, कोई लाल होती है, कोई गाढ़ापना होता है, तो वो सब मेरे को ऑलरेडी नॉलेज था क्योंकि मैं चाय की कंपनी में एक वेटर बोल के काम करता था। कोई भी व्यापारी आता था तो उसको चाय बना के देना, चाय पिलाना, उसके कप प्लेट धोना, उसको नाश्ता देना, उसकी प्लेट धोना, ये सब काम करता था मैं, तो मेरे को काफ़ी नॉलेज था। तो मैं जालना में आके जलगांव से चाय लाता था और ब्लेंड करता था और पैकिंग करके मार्केटिंग करता था। चाय के बिजनेस में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्लेंडिंग एंड मार्केटिंग। क्या बात, लेकिन ब्लेंडिंग करने की कला होनी चाहिए 100%। इसमें क्या मिलाना है लोगों को अपने जिंदगी में? अपने बीवी को मिलाना नहीं आता, आपने चाय मिला दी। बीवी को मिलाने की जरूरत ही नहीं, हम बैठे हैं ना मिलाने के लिए। अच्छा, आपके ये पूरे व्यवसाय की जो शुरुआत हुई थी तो आपकी जो धर्म पत्नी है उनका सहयोग कैसे था इसमें? बहुत, हमारी मिसेस ताराबेन पटेल जी, उनका बहुत बड़ा सहयोग था। मैं, मेरे साथ काम करने के लिए धीरे धीरे जैसे जैसे काम बढ़ता था तो गुजरात से 6 या 7 बच्चों को लाया था, जरूरतमंद को बच्चों, तो 6-7 बच्चों को अपने घर में रखने का, उनको सुबह चाय नाश्ता कराना, दोपहर में खाना खिलाना, शाम को खाना खिलाना, उनके कपड़े धोना, उनके बर्तन साफ करना। उस समय कोई काम वाली बाई नहीं रहती थी, कपड़े वाली बाई नहीं रहती थी। ऊपर में 2 रूम था, नीचे में एक बावड़ी थी, वहीं पर जाके पानी लेके आना, ऊपर में नीचे बर्तन धोना, नीचे कपड़े धोना। मिसेस का साथ सहकार बहुत था, यानी हम जो कुछ है उनके साथ सहकार से है। यहाँ पे जितने भी मेरे दोस्त आए हैं सबने ये समझ लेना चाहिए, घर जाके अपने बीवी को बताना कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्या ही काम चल रहा था, किसको मिलने गए थे, ये सारे सवाल बंद करें। जो भाई श्री के साथ में काकी ने किया है वो करना शुरू करें ताकि आप भी यहाँ तक पहुँच जाए। अच्छा भाई श्री, मुझे एक बात पूछनी है, सबसे बड़ी बात कि जॉब चल रहा था, अच्छा भला चल रहा था, 1 तारीख से 31 तारीख तक काम करो, 10 बजे से लेके 6 बजे तक काम करो, 10 बजे से पहले घर में, 6 बजे के बाद में घर में, 31 तारीख को फिर से पैसा आने वाला, ये सब छोड़ के बिजनेस में क्यों आ गए? देखो, नौकरी नौकरी ही रहता, कितना भी करो तो भी लिमिटेड रहता है, और घर से किसी ने अपने को सपोर्ट किए ही नहीं थे। अपन खुद ने जॉब करके 4 साल जॉब करके 1200 रुपये बचाया था, उसी में अपने को काम करना था, और एक मन में पक्का उम्मीद था कि जमीन में लात मार के पानी निकालेंगे। ये बात समझो भाई, ये मार्केटिंग के सारे गुण हैं जो आप तक आज पहुंचा रहे हैं, ये वो सेमिनार है जो फ्री में मिल रहा है जी। हमको ये पक्का विश्वास था कि मैं जहां भी लात मारूंगा वहीं से पानी निकालूंगा, यानी जो भी मैं काम करूंगा 101% मैं दिन प्रतिदिन प्रगति ही प्रगति करूंगा। जो मैंने पहले दिन जब चाय का काम चालू किया था, मैंने सिर्फ 300 ग्राम चाय बेचा था, सिर्फ 300 ग्राम पहले दिन 300 ग्राम चाय बेचा था, आज रोजाना 60,000 किलो चाय बेचता हूँ साहब। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जालना में पहले 2 दिन आप रेलवे स्टेशन पे सोए थे। कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई बुलाने जाने वाले नहीं थे, आज ये सब बुलाने वाले बैठे हैं, आइए आइए करते हैं। कोई बुलाने वाले नहीं थे, कोई पहचान के नहीं थे, कहाँ जाना, तो रेलवे प्लेटफॉर्म पर सो गए 2 दिन। अच्छा, फिर एक किराए की रूम लिए, पहचान कैसे भी पहचान करके वे एक रूम दे दे किराए की, वो किराए की रूम में रहे, फिर माल लाए जलगांव से, बेचना चालू कर दिया, वो अपना बिजनेस। इसका मतलब अगर बिजनेसमैन आपको होना है तो
आपको ये पता होना चाहिए कि किस जगह पे लात मारनी है, पानी कहां से निकालनी है, राइट, और किस अंदाज में वो मारनी है। अच्छा, ये सब तो अब हुआ भाई, अब तो अच्छी भली कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, एक बड़ा सा ऑफिस है जहाँ पे सारे लोग काम कर रहे हैं, आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोग एसी में बैठ के काम कर रहे हैं, और आप एक पंखा लगा के किराना दुकान में बैठ रहे हैं, ऐसा क्यों? मैं तो भाई मेरे जो जहाँ बैठता हूँ वही दरवाजा है नहीं। अच्छा, ओके। कभी कभी कैबिन में बैठने की बारी आती तो कैबिन का दरवाजा खुला कर देता हूँ। क्यों? दरवाजा रखते हैं नहीं, सभी को अलग छूट है, कोई भी आओ कोई भी जाओ, सभी के लिए ओपन है। अच्छा, नहीं नहीं, मुझे मैंने जो सवाल पूछा था वो ये था कि आज भी किराना दुकान में क्यों बैठते हो? भाई मेरा एक, मैंने जो शुरुआत किया था 1975 में, मैंने जो मेरे हाथ से जो कस्टमर मैंने बनाया था उसकी तीसरी पीढ़ी मेरे काउंटर पे आज आती है, और वो मेरे को देख के, मेरा डेवलपमेंट देख के मेरे को जितनी खुशी नहीं होती ना, उससे ज्यादा खुशी उनको होती है। अच्छा, तो उनकी खुशी के लिए मैं बैठता हूँ आज भी। क्या बात है, सबसे बड़ी सीख तो यही है कि जो भी व्यापारी है वो अपनी खुशी के लिए नहीं, अपने क्लाइंट की खुशी के लिए वहां पे काम करता रहता। अच्छा, वो गुलाब का फूल क्या है, किसको देते हो? मेरा एक हॉबी है, जब सुबह शटर ओपन करता हूँ तो शुरुआत के जो भी कस्टमर आते रहते हैं सबको एक एक गुलाब का फूल देता हूँ मैं। अच्छा, सभी को देता हूँ, करीब करीब 20-25 कस्टमर को एक एक गुलाब का फूल देता हूँ। उसके बाद दिन भर काउंटर पे कोई भी आते हैं तो बाद में पूछता हूँ कौन सी चाय होना क्या होना, पहले उनको सॉफ्ट सुपारी खिलाता हूँ मैं। क्यों? अब तो एक प्रेम भाव है, ऐसे जान पहचान भाव होता है ऐसा। ये क्या है पता है आपको, ये क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप किस तरीके से डेवलप करनी है वो बात है। राइट, अभी मैं गुलाब वाली बात पे फिर से आता हूँ। जब पहले पहले क्लाइंट्स को आप गुलाब दिया करते थे तो काकी गुस्सा नहीं होती थी? आपने मुझे तो कभी गुलाब नहीं दिया, क्लाइंट्स को क्यों गुलाब देते हो, ऐसा पूछा नहीं? ऐसे मेरे जो कस्टमर आते हैं ना उनको मैं गुलाब देता हूँ। मेरे जो सुबह सुबह जितने भी कस्टमर आते हैं, दुकान खोलते ही मेरे पास होटल के कस्टमर ज्यादा है जी, वो डेली वाले है, वो आजू बाजू खेड़े पड़े के आते रहते हैं जी, सिटी के भी कस्टमर आते रहते हैं जी, उनको एक सुबह में आते आते मार्केट फूलों का, घर से जब आता हूँ तो फूलों का मार्केट रास्ते में है। अच्छा, तो गुलाब का फूल लेके आ जाता है मैं रास्ते में से 25-5 रुपए 10 रुपए का। एक अच्छा लगता है मेरे को उसको, उसमें से थोड़े फूल भगवान को भी चढ़ाता हूँ, बाकी मैं मेरे कस्टमर को देता हूँ। इसका मतलब दोनों तरफ भगवान को ही चढ़ाते हैं, भगवान भी पहले और कस्टमर भी पहले। ये कस्टमर से आपको बहुत ज्यादा प्यार है जी हाँ। और मैंने ये भी सुना है कि आप ये कहते हो कि अगर 1 रुपए का चाय बेचना हो तो सेटिस्फेक्शन 1.5 रुपए का होना चाहिए, 2 रुपए का होना चाहिए, ये क्या है? अभी वो चाचा ने बताया नहीं कि अच्छी क्वालिटी देना, रीजनेबल रेट में देना जी। तो मेरा भी एक थिंकिंग है कि मेरे से जो भी माल लेते हैं जी, चाहे वो 1 रुपए का माल क्यों नहीं लेते, क्योंकि उनको 1 रुपए का पूरा बेनिफिट होना। अच्छा, उनको पूरे पूरे 1 रुपए का मोह बटला मिलना चाहिए, ये पहले दिन से मैंने मेरी सोच है। आपको कभी डर नहीं लगता कि ऊपर नीचे बिजनेस कुछ हो जाए तो? डर नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब जालना में इतने बड़े मार्केट आ चुके हैं, सुपर मार्केट्स हैं, कितने भी बड़े बड़े मार्केट आ गए उससे क्या होता है, डरने का नहीं? बिल्कुल नहीं डरते। तो ये मूंगफली की आइडिया कहाँ से है? अरे भाई, गुजरात जालना में सिंगदाना जो है लोग भिगा के ज्यादा नमक डाल के बनाते थे, तो नमक वाला ज्यादा खाने से बीपी होता है। तो मैंने सोचा भी अब बहुत अच्छी क्वालिटी अब तो गुजरात में मिलता है, अपनी गाड़ी जाती है तो लेके आ जाती है। अच्छा, बेचते रहते हैं। अच्छा, ये विक्रम नाम जो है आपके ब्रांड का जी हाँ, ये आपके घर में किसी का नाम विक्रम है ना? मेरे बेटे का नाम है, मेरे पोते का नाम है, किसी के नाम विक्रम नहीं है। फिर विक्रम क्यों? एक बहुत सालों पहले 1978-80 की बात है, टीवी के अंदर विक्रम और बेताब सीरियल आता था, विक्रम बेताल, तो मैंने विक्रम वो नाम देख के मैंने अपना विक्रम नाम रख दिया। अच्छा, उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो आपने कैश कर ली? जी हाँ। ये एक बड़ी सीख है कि हम लोगों को पॉपुलैरिटी जो है वो किस तरीके से मिलानी चाहिए, वो भाई श्री ने ये सबक दिया है। भाई श्री, मैंने ये भी एक बात सुनी है कि आपके कंपनी में आपका बर्थडे,
आपका बर्थडे, जन्मदिन, क्या हमारे मिश्रा जी का जन्मदिन और एक आपको जो चाय लाके देते हैं सुबह सुबह उनका जन्मदिन एक ही डेट पे होता है, एक ही दिन होता है, तो आप तीनों मिलके एक ही केक काटते हो? मिश्रा जी तो बॉम्बे रहते हैं कभी जी, कभी झल्ला आ गए तो साथ में काटते हैं, लेकिन हम दोनों तो बराबर एक ही टेबल पे एक ही केक काटते हैं। क्यों? वो भी मेरा भाई, वो बच्चे है तो हम है, आज ये सब व्यापारी है तो हम है, तो मेरे साथ जितने भी जुड़े वाले हैं, मेरे कंपनी में जो भी मेरे साथ काम करने वाले हैं, वो सब है तो मैं हूं, तो जितना मेरे को रिस्पेक्ट देते हैं उनको रिस्पेक्ट मिलता है। ये इतने सारे जो दोस्त आज बैठे हैं यहाँ, इनमें से कई लोग परेशान हैं कि हम लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा है, हम लोगों का धंधा नहीं चल रहा है, डर जाते हैं, कई लोग अपना शटर बंद कर देते हैं, फिर से अगर उन्हें शटर खोलना हो और दिलों में एक जज्बा जगाना हो तो क्या कहना चाहोगे उनसे? देखो, किसी भी चीज से डरने का कोई काम नहीं है, जो डरेगा वो मरेगा, जो डरेगा वो मरेगा, डरने का काम ही नहीं है। काउंटर पे जैसे जैसे टाइम बदलता, चेंज होता रहता, ऐसे ऐसे बिजनेस करने की सिस्टम बदलते रहिए आप, काम करने की सिस्टम बदलते रहिए, डिस्प्ले सिस्टम रखिए आप। आजकल जो कस्टमर आते हैं उनके पास टाइम नहीं है, वो तो डिस्प्ले में क्या आपके पास वो देख के परचेज करते हैं। पहले क्या था, कोने कोपरे में पड़े रहता था तो लोग मंगते थे, अभी लोगों मंगने का टाइम नहीं है, जो सामने क्या दिखा पाले बिस्किट दे भे, चल क्या दिखा कॉलगेट तो दे भे, ऐसा है। इसका मतलब आपके पास सामान कितना है इससे भी ज्यादा जरूरी है आपने दुकान में सामान किस तरीके से रखा है, डिस्प्ले, आप ग्राहक के साथ कैसी बात करते हो, राइट। अच्छा, ये 2000 करोड़ तक का तो टर्नओवर हो गया, आगे भी ख्वाब देख रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं? जी हाँ, मैं बहुत बड़ा ख्वाब देख रहा हूँ, 2000 करोड़ से क्या होगा, मैं सबसे बड़ा ख्वाब देख रहा हूँ, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। जितना बड़ा काम करूंगा, अलग अलग कंपनियों से जुड़ूंगा, अलग अलग काम करूंगा, उसके साथ जितना भी मेन पावर जुड़ेंगे वो लोग सुखी होंगे, उनका घर बार बसेंगे, तो उसमें मेरी खुशी है। पैसा कमाने में खुशी नहीं है, मेरे साथ आज कितने लोग मेरे साथ जुड़े वाले हैं, आज आप देखे होंगे मैं जब आता था मेरे को 50-100 लोग दर्शन छू रहे थे, मैंने देखा वो क्यों छू थे कि मैं उनकी भलाई चाहता हूँ। मेरे व्यापारी भाई जितने भी है, मेरे डीलर भाई जितने भी है, सब डीलर को आप पूछ लीजिएगा, आप मैं मेरे डीलरों को पर्सनल नाम से बुलाता हूँ। अच्छा, 500 डीलरों, बहुत से डीलरों को मैं नाम से बुलाता हूँ। क्या बात, जी हाँ, लेकिन मैं उनका ये भला ही चाहता हूँ, उनके अच्छे चाहता हूँ कि मैं मेरे से भी अच्छे बड़े पैसे वाले आप बनिए, मेरे से भी अच्छी बड़ी गाड़ी में आप घूमिए, हमसे भी बड़े बंगले आप बनाइए, हमारे घर में चाहे एक दो काम वाले होंगे आप चार चार पाँच पाँच काम वाले रखो, और है होता है ऐसा, एग्जाम्पल बोलो तो एग्जाम्पल बता दूंगा मैं आपको। अब एक दो सवाल मुझे आपसे पूछ, सिर्फ दो ही सवाल, एक मेरे जैसा बंदा है या समझ ले मैं ही हूं, अब मेरा पूरा जो जीवन है वो समर्पित है बोलने के लिए, मैं बात अच्छी कर लेता हूँ सामने वाले से, अच्छी अच्छी बातें निकलवा भी लेता हूँ, मेरे में जो हुनर है उसको मैं अपने बिजनेस में किस तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ? देखो, आपके अंदर जो हुनर है आप बोलने में भी अच्छे हैं, बराबर है ना, आप बिल्कुल काउंटर पे बैठिए जी, बिजनेस करिए, हर एक कस्टमर के साथ स्माइल दीजिए, आप स्माइल दीजिए, उनको वेलकम करिए, आप कस्टमर को, यार कस्टमर माल नहीं लिया तो उसको गुस्सा मत करिए। अच्छा, उनको प्रेम से और ज्यादा प्रेम दो, दूसरी बारी जरूर आपके पास आएंगे। ये मार्केटिंग है भाई, ये सीखना चाहिए। वैसे भावेश भाई, उन्होंने जो बोला कि प्रेषित को काउंटर पे बिठा दो, तो देख लो कुछ होगा, एक आधा नया काउंटर तो बुला लो, आने के लिए तैयार हूं मैं। एक आखिरी सवाल, आप सामाजिक सेवाएं बहुत करते हैं, मेरे को शौक है। क्यों? अरे लोग बैंक में पैसे रखते हैं भाई श्री, आप देने के लिए ज्यादा तैयार हो, ऐसा क्यों करते हो? दीपक जी हमेशा बोलते हैं ना, कहावत बोलते रहते दीपक जी, क्या क्या लगता है, दो गज की जमीन, क्या क्या अभी बोला ना तूने यार, याद शक्ति कम मेरी जी भाई, बिल्कुल एक अभी बोला ना, दो गज क्या लगता है आदमी को जीने के लिए, बोलो बोलो एक बार,
बिल्कुल भाई बिल्कुल, मैंने बोला था कि एक रोटी दो लंगोटी और तीन गज जमीन बस। क्या बात है, सुन लीजिए आप, क्या होगा क्या होगा क्या। तो मैं सामाजिक काम में बहुत मानता हूँ और मेरे को जब नहीं था, मेरे पास नहीं था, तब से मैं सामाजिक काम में जुड़ता था। जब नहीं था तब कोई भी काम करता था तो उनके साथ जुड़ता था। भगवान ने दिया है तो अभी मैं खुद सामाजिक काम करता हूँ। मेरे को सामाजिक काम करने में बहुत ही हॉबी है, बहुत शौक है मेरे को। क्या बात है, मैं जितना बिजनेस करता हूँ इतना ही मैं सामाजिक काम में इंटरेस्ट रखता हूँ। जी मैंने ये भी देखा है कि पहले दिन जब हम लोग ऑडियो वीडियो अपना कर रहे थे, उससे पहले जब हमने फोन पर आपके साथ बात की थी, तो आपने मकरंद देशपांडे जी को मकरंद भैया कहा। हाँ तो है भाई, तो आप हर एक को ऐसा संबोधित करते हैं। मैं हर एक को रिस्पेक्ट से बुलाता हूँ, गाय छोटा हो बड़ा हो। क्यों मैं ऐसे एक मेरे को किसी को नीचा दिखाने का मेरे को मन में है ही नहीं। कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, कैमरा मैन भी रहे तो मैं कभी उसको रिस्पेक्ट से ही बुलाऊंगा। अरे भैया चल भैया, चलो भैया, मैं ऐसे किसी को भी नीचे शब्द से कभी नहीं बुलाऊंगा। ये आपके लिए सबसे बड़ा सबक है दोस्तों कि आपके साथ जो काम करने वाला बंदा है, उस बंदे का नाम लेते हुए हम उसे कई बार बुला लेते कि ए इधर आ, ये कर वो कर। कई बार हम लोग उसे अपमानित भी करते हैं, प्रताड़ित भी करते हैं, लेकिन आप अगर आपके हाथ के नीचे काम करने वाले बंदे से मोहब्बत करोगे, रिस्पेक्ट के साथ बात करोगे, तो वो बंदा तहे उम्र आपके साथ काम करने के लिए तैयार रहेगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ भाई श्री, की आने वाली नई जनरेशन को क्या बताना चाहोगे आप? यहाँ तो सभी मेरे व्यापारी भाई आए वाले हैं, दुकानदार आए वाले हैं, इतने भी बड़े बड़े स्टोर आने दो, बड़े बड़े कंपनी आने दो, डरने का काम नहीं है। लेकिन काम करने की सिस्टम बदलना चाहिए, काम करने की पद्धति को चेंज करना चाहिए। क्या बात, डिस्प्ले सिस्टम रखे, जितना सामने दिखेगा इतना माल बिकेगा। बड़े बड़े स्टोर में आप जाएंगे तो डिस्प्ले सिस्टम ज़्यादा है, तो उसका अनुकरण करिए। कोई भी फ्री में देते नहीं है, बड़े बड़े मॉल वाले भी फ्री में नहीं देते, उनको भी बहुत खर्चा है, उनको भी दो पैसा कमाना ही है, बराबर ना। अब तो पास कम स्टाफ है, अब तो भी दो पैसा एक पैसा कमाना है, बराबर कमाना है। लेकिन अब तो को बिजनेस करने के सिस्टम को बदलना पड़ेगा, पहले वाली सिस्टम नहीं रखना पड़ेगा कि सादे पेपर के अंदर पैक करके दो, वो सब जमाना गया। व्यवस्थित प्लास्टिक पैकिंग के अंदर, पेपर पैकिंग के अंदर पैकिंग करके व्यवस्थित देना पड़ेगा। और वो तराजू बराजू सिस्टम गई, अभी इलेक्ट्रॉनिक कोटा आ गया है, उसके साथ ही वजन करके देना पड़ेगा। और मैंने देखा कि आपको गिफ्ट देने का बड़ा शौक है, चाय का पैकेट लो ये गिफ्ट, ग्राहक को भी गिफ्ट देते हो, जो बेचता है उसको भी गिफ्ट देते हो, क्यों? तो स्टार्टिंग में था ऐसा सिस्टम, अभी भी है कि कस्टमर को भी मिलना और दुकानदार को भी मिलना, दोनों को मिलना, सबको मिलना। खाली कस्टमर अकेले को दिया दुकानदार ने क्या किया, दुकानदार अकेले को दिया कस्टमर ने क्या किया, तो कुछ थोड़ा बहुत कस्टमर को, थोड़ा बहुत दुकानदार को, बचा खुचा हमेरा। क्या बात, जो कुछ बचता है वो मेरा है, यही अगर सोचोगे तो काम बनेगा। आपने कई लोगों को खड़ा किया है, पिलर के माफिक वो लोग अब आपके साथ जुड़ चुके हैं। ये लोगों को अपने साथ खड़ा करने की जो चाहत है, जो स्टाइल है, जो अंदाज है, वो क्या है? ये आखिरी सवाल था। मैं ऐसे लोगों को चुना है जिसको काम की जरूरत है, जिसको काम की जरूरत है, ऐसे लोगों को चुना है मैंने, ताकि वो लोग मेरे से जुड़ गए हैं और उन्होंने काम इतना बढ़ाया कि वो खुद डेवलप हुए, उन्होंने डेवलप होते हो तो मेरे को भी डेवलप किया। क्या बात, भाई श्री की साथ में जो परिवार उनके साथ में खड़ा रहा है, मैं भावेश भाई से भी गुजारिश करता हूँ कि अपने पूरे परिवार को लेकर आप मंच के ऊपर आए। और मकरंद भाई से ये गुजारिश करता हूँ कि रवि बापटले सरांना घेऊन त्यांनी मंचावरती यावं, कारण रवि बापटले सरांनी इथे अशीच
कि त्यांनी पण एक गाव उभं केलेलं आहे. मी परिवाराला अशी विनंती करतो की आपण मंचावरती यावं आणि आपण मंचावरती येण्याच्या आधी एक सामाजिक व्हिडिओ आपण बघूयात. भाईश्री मुझे आपको थँक्यू कहना तो रही गया. थँक्यू व्हेरी मच.